आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बिहार के जिला छपरा सारण से है। माझी प्रखंड के कौरू धौरू पंचायत के कला गुरदहा गांव में मनरेगा के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन मुखिया वीणा देवी की मौजूदगी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने फीता काट कर किया। मुखिया वीणा देवी द्वारा कला गुरदहा गांव में लगभग 50-60 लाख से भी अधिक विकास के लिए खर्च किए गए। इस अवसर पर पंचायत के कला गुरदहा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के मुखिया एवं समाज सेवी मुखिया पति को मनरेगा पार्क एवं राजीव गांधी सेवा केंद्र जैसी योजना माझी प्रखंड के कौरू धौरू पंचायत में लाने के लिए अंगवस्त्रम ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। मनरेगा के तहत इस केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केंद्र इस योजना की सराहना जिले के जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ भारत सरकार ने भी की है। माझी प्रखंड के कौरू धौरू पंचायत के मनरेगा योजना से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों को इसी भवन में निष्पादित किया जाएगा। मनरेगा से जुड़े कार्यों को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधियों या पंचायत के आम लोगों को प्रखंड कार्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के कार्यों को इसी भवन में किया जाएगा, जिसमें पंचायत के रोजगार सेवक कार्य करेंगे और लोगों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा भी करेंगे। उद्घाटन के क्रम में पंचायत के मुखिया पति एवं समाज सेवी उदय शंकर सिंह, सारण निकाय प्रत्याशी सुधांशु रंजन, उमाशंकर ओझा, हसनुद्दीन खान, टीवांग खान, इकराम खान, अनिरुद्ध यादव, राजीव रोबिन, अमर सिंह, नवरत्न प्रसाद गुप्ता समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। पार्क के उद्घाटन समारोह के प्रधान अध्यक्ष जी, संचालनकर्ता श्री विजेंद्र तिवारी जी, मंच पर बैठल तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, इस समारोह में उपस्थित कौरू धौरू पंचायत साथ में अगल बगल के मित्र शुभ चिंतक सबके कोटि कोटि नमन बा, स्वागत बा। आज बड़ी खुशी के बात बा, हम तो माझी के लोग माझी में बानी, हमारी जानकारी ना रहा कि काला गुरदहा में इस तरह के भाव के भाग लिया। एक ऐसा स्कीम था जो कि वर्षों से पड़ा हुआ था, 3-4 वर्षों से पड़ा हुआ था स्कीम। जब हम भी यहाँ 5-6 महीना पैदल बैठे तो के द्वारा बताया गया एक बैठक के बाद बताई गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।